Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 6.1 Maths Prime class 8. So without further delay, let's get started. And if you think that video is helpful for you, please hit the like button and also subscribe to my channel. Okay, so as we know that question number 1, 2 and 3, these are the easy questions and you are also able to find all the answers of in the answer sheet. So we are going to start with the question number 4, right? Means these questions are little bit difficult, so now we are going to discuss that. Okay, on the question number 4, question number A, what it is written? M cube plus 3m square minus 18m comma, second one is 23m minus 4m square and 5m cube minus 1. So this question we need to solve that, and what it is saying, we need to add the followings. So how we will do that? In the simple way we are going to discuss that. Okay, na? Huh. So at first we will just write the number, okay, and after that we will separate them. सबसे पहले हम क्या करेंगे, numbers को क्या कर लेंगे, आपको जैसे write कर लेना है, फिर उसको separate कर लेना है, ठीक है? और जैसे ही नंबर आपका सेपरेट हो जाएगा तो आपको क्या कर देना है, आपका जैसे ये गिवन है यहाँ पे, तो देखो पहले आप इसको सारा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को रिमूव करोगे आप, तो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, एम क्यू प्लस 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5m क्यूब और माइनस 1. अरेंज करना है टर्म्स को जो टुगेदर हैं. जैसे इसको कैसे अरेंज करते हैं आप ये बताओ, जो स्क्वायर वाला नंबर है उसको स्क्वायर वाले के पास ले जाएंगे, जो क्यूब वाला नंबर है उसको क्यूब वाले के पास ले जाएंगे, ठीक है ना? इस तरीके से उसको अरेंज करना है. तो आपको पहले इसमें देखना है क्यूब वाले नंबर कौन कौन से है. तो एक तो पहला ये अपना ये है, कौन सा है, एम क्यूब है ना, पहले वाले ये यहीं पर एग्जैक्ट आप देख पाओगे. और दूसरा हमारा कहाँ पर, ये देखो मैं एरो रख पा रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा वाला हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? तो एम क्यूब तो देखो, और फिर उसके बगल में देखो, उसको आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है? फिर दूसरा वाला नंबर और आपको चेक कर लेना है, स्क्वायर वाला नंबर कहाँ है, 3m स्क्वायर है ना, और ये माइनस 4m स्क्वायर है. इनको सबको आपको प्लस माइनस करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो आपको क्या कर देना है, देखो इसके मैंने नीचे यहाँ पे आपको देखो टर्म्स को टुगेदर करके इनके वो बना दिए हैं, जैसे जो जो टर्म्स हैं उसको लिख के उसको ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये एम क्यूब प्लस 5m क्यूब, ये दोनों नंबर टुगेदर आ गए तो ये ऐड हो जाएंगे. फिर उसके बाद क्या है, प्लस का 3m स्क्वायर है और माइनस का 4m स्क्वायर है, ठीक है? ये भी प्लस माइनस हो जाएगा. फिर माइनस का 18m है और प्लस का 23m है, माइनस 1 है, ओके? अब आपको इसको क्या कर देना है, इस नंबर को एग्जैक्टली लिख के और उसको राइट करना है, ठीक है? जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये पहले तो देखो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारा प्लस का है, तो एम क्यूब प्लस का है और 5m क्यूब भी प्लस का है, तो ये 6m क्यूब हो जाएगा. अब आप मुझे ये बताओ, सेकेंड वाला जो इसका क्वेश्चन है, सेकेंड वाला जो इसका स्टेप है, 3m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? फिर हमारा कितना है, यहाँ पे आप देखोगे तो फिर हमारा m वाला वैल्यू आएगा, तो माइनस का 18m है और प्लस का 23m है, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 23 में 18 माइनस होगा तो प्लस का 5m आएगा और फिर माइनस 1 आ जाएगा. 3-1 तो हमारा लास्ट वाला वो है ही. इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना. अगर थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी विजुअल नहीं समझ में आती है तो आप उसको 720 में करके एक बार देख लोगे. मैंने पिक्चर क्लिक करने की कोशिश की है लेकिन उतना थोड़ा सा अच्छा से आ नहीं पाया. और जो PDF है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको PDF ही सेंड कर दूँगा, मुझे आप कमेंट पर बता देना, ठीक है? चलो थोड़ा सा मैं लेस जूम कर देता हूँ जिसलिए आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है? देखो ये एड पिक्चर्स है, उससे फ़ोटो क्लिक की हुई है, लेकिन इतना भी नहीं है. आपको अगर ध्यान से समझना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये बेस्ट वे है. करना कैसे, आपको पहले अरेंज कैसे करना है, मैंने उस तरीके से प्रॉपरली आपको करके बताया हुआ है, ठीक है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ये बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये वाला थोड़ा सा क्लियर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं. सेकेंड नंबर उसी में क्वेश्चन है, आप देखोगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, तो आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, 1 - x - x² कॉमा x प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर, ठीक है ना? अभी इसको आपको ऐड करना है. आप इसको कैसे ऐड करोगे, देखो आपको सबसे पहले वही सबके बीच में जहाँ जहाँ कॉमा है आपको प्लस ऐड कर देना है, फिर आपको ब्रैकेट को हटा देना है. जैसे आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
प्लस एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब आप देखो फिर से इनका हम पेयर बनाएंगे, देखो ये मैंने पेयर बना रखा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ये दोनों आ गए, माइनस एक्स प्लस एक्स आ गया, प्लस वन एंड प्लस टू, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, तो आप ये बताओ माइनस एक्स स्क्वायर है, आप प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर है, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है क्योंकि वन एक्स स्क्वायर उसमें माइनस हो गया। अगर थ्री एक्स स्क्वायर में माइनस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता है, आप ही बताओ मुझे, तो आपका कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस एक्स और प्लस एक्स ये दोनों माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये कट गया, जीरो आ जाएगा। और ये वन प्लस टू जो आपका है ये कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं ज़रा। ये सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई एंड सेवन एक्स स्क्वायर बाई प्लस नाइन एक्स बाई। ओके, आपका ये क्वेश्चन है। अब आपको देखना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ जहाँ पे है सबको आपको एंड की जगह पे हर जगह जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है या एंड लगा हुआ है आपको वहाँ पे प्लस करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई, फिर ब्रैकेट में मैंने प्लस लगाया, दूसरे वाला नंबर कितना है, सेवन एक्स स्क्वायर बाई प्लस नाइन एक्स बाई। ओके, अब आपको क्या कर देना है, इसको आपको फिर से वही करना है, इसको ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है और आपको जितने भी नंबर्स आपको लिखने हैं तो आपको यहाँ पे राइट करने, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाई प्लस फोर एक्स बाई प्लस सेवन एक्स स्क्वायर बाई सेवन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स बाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर स्क्वायर वाले हैं, जैसे डबल स्क्वायर वाले जो नंबर हैं, फिर उसके बाद सिंगल स्क्वायर वाले नंबर जो हैं, बाई वाले नंबर जो हैं, उनको सबको एक साइड पे करके अपन लिखेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे दो नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो एरो बने बना रखा है कि कौन कौन से नंबर पहले लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस में कौन उसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे, सेवन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, देखो नंबर सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को दोनों एट एक्स स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप देख लो आप, दूसरा स्टेप क्या है, फोर एक्स बाई एंड नाइन एक्स बाई, फोर एक्स बाई और नाइन एक्स बाई को आपको देख लो यही बस ऐड होगा, बाकी जो नंबर हैं मिडिल वाले वो एक्जैक्टली सेम वहीं पर लिख जाएंगे। तो देखो फोर एक्स बाई और नाइन एक्स बाई थर्टीन एक्स बाई हो गया ना, और ये जो एक्स एक्स बाई स्क्वायर एंड सिक्स एक्स स्क्वायर बाई जो है ये एग्जैक्टली सेम वैसे लिख जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना या फिर आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप बुक पे आप देख लेना, अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन बस को आप बुक में देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन फोटो से क्लिक करके पीडीएफ बनाया जाता है तो उसको थोड़ा सा उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ पाती। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर बोल रहा है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, अब माइनस करना है। अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन पर प्लस किया था, सब्सट्रैक्ट करने में कैसे करना है, देखो आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फोर जेड स्क्वायर एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड बाई माइनस 5x by z plus 2x by square z from के जगह पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन पे, एंड x square z by plus x by z plus x square z minus z square x by। अब आपको समझ पे, अभी आप देखो, अभी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन रिपीट किया, अब आप देखो एक्सप्लेनेशन इसका कैसे किया गया, तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एकदम नीटली समझ पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैंने जो आपको बताया था उसके दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, अब ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को पहले हम रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर को स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही जुड़ेगा, बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर से जुड़ेगा, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर से जुड़ेगा या घटेगा, कुछ भी होगा तो वो उसी नंबर से होता है, दूसरे नंबर से नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात मेरी समझ में आई आपको, चलिए तो आपको क्या कर देना है, ये एक्स स्क्वायर जेड बाई प्लस एक्स बाई जेड प्लस
एक्स बाई स्क्वायर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है ना, जहाँ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, एक्स, ये फिर से मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार, तो आपको ये क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। ये ड्रॉ करने के लिए क्यों आ रहा है बार बार, अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। फिर चलिए क्लास, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो अपना नहीं आ रहा ना बार बार ड्रॉ करने के लिए। चलो तो आपको क्या कर देना है, ये माइनस का डायग्राम लगा है, तो जितने भी नंबर, जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो जितने भी नंबर हैं ये प्लस वाले, ये सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर होगा तो पूरे के पूरे नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, ये माइनस का पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें एग्जैक्ट नंबर वही के वही लिखा जाते हैं, जैसे ब्रैकेट में जहाँ पे माइनस लिखा है तो उसका जब मल्टीप्लीकेशन किस में ब्रैकेट के अंदर होगा, तो जैसे 4z² है, यहाँ पे आप देखो 4z², तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4z² हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका देखो, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने लिख दिया, ये देखो ये पूरा का पूरा माइनस में हो गया, यहाँ पे देखो आप, तो माइनस का 4z² / फिर माइनस का, फिर देखो यहाँ पे लिखा है x²z / फिर ये प्लस का है, वो माइनस का था, वहाँ पे देखो ये जो माइनस का था वो क्या हो गया, प्लस का हो गया, साइन तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस 5x/z - 2x²z, ठीक है। अब आपको इसको एक्सप्लेनेशन पे लिखना है, देखो पहले स्क्वायर वाला नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x²z / -x²z / तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। फिर दूसरा नंबर क्या है, प्लस वाला क्या आता है, x/z और प्लस 5x/z, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 6x/z हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये तीसरा वाला नंबर जहाँ पे डॉट है, आप वहाँ पे देखें, तीसरा वाला नंबर जो है आपका कितना है, x²z - 2x²z, ठीक है। तो ये 2x/z है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का ये आपका बच जाएगा -x²z, और फिर उसके बाद कितना है आपका, ठीक है, ये आपका फिनिश हुआ ना, ये 4x², ये तो पहले ही हमने इसको ले लिया है ना, ये कौन सा वाला नंबर है, हाँ ये पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बन रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 6x/z - 5z²x/, और ये माइनस कितना हो गया, x²z, ठीक है। बात समझ में आया आपको, चलो ओके। हमसे यहाँ पे एक नंबर छूट गया है, ये कौन सा नंबर है, ये वाला, सॉरी मैंने इसको देखा नहीं, आप इसको देख लो, -4x²z, ठीक है। तो ये इसका एक्स जेड, इसको आप ध्यान से देखो, ये z²x/1 यहाँ पे है ना, ये आपका नंबर देखो, तो ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 6x/z - 5z², x/, ये लास्ट वाला नंबर जो 4z वाला छूट गया था, ये वही है, ठीक है ना, और -x²z, ठीक है। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा, एग्जैक्टली जो आंसर आपका बनेगा वो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3m² - 2 + 11m, यही है ना, फ्रॉम m³ - 9, आपको इसको माइनस करना है। चलो इसको देख लेते हैं, इसको माइनस हमने कैसे किया है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही चीज़ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों में ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्रैकेट आप लगा रहे हो तो यहाँ पे देखो m³ - 9 है, और फिर यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिया है, -3m² - 2 + 11m। अब ये देखो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस वाला नंबर माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला नंबर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस लगा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, m³ - 9 - 3m² + 2 -11m, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो आप इसको, ये क्या हो गया m³, अब इसको ऐड कर देंगे, जो क्यूब वाले हैं क्यूब से, स्क्वायर वाले स्क्वायर से, नहीं तो नंबर वाले तो है ही नंबर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, m³ - 3m² - 7 - 11m, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्लास, इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, 5th के हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4th के भी हमने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू a² + 7a टू मेक इट 9a² - 14a,
आपको क्या बोल रहा है कि इस नंबर पे क्या ऐड किया जाए, जैसे ए स्क्वायर प्लस 7 ए पे क्या ऐड कर दिया जाए कि वो क्या बन जाए, 9a² - 14a बन जाए, ठीक है। तो आपको इस पे देखना पड़ेगा कि क्या ऐड कर दें आप। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। नाइन ए स्क्वायर, वो ए के बाद जो 2 लिखा हुआ वो स्क्वायर है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, ठीक है। जब आप इसको ध्यान दोगे तो आपको बात समझ में आएगा। 9a² - 14a आप इस पे माइनस कर देंगे कितना, ए स्क्वायर और 7a को। ए स्क्वायर 7a जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करके आप एक बार देख लेना। तो जैसे जो आप इसको, जैसे ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 9a² में ए स्क्वायर अगर माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8a² हो जाएगा। ये जो ए के बाद 2 लिखा है ये स्क्वायर है क्लास, ठीक है ना। ये थोड़ा सा उसमें PDF में सही से आ नहीं पाया। फिर माइनस का ये देखो, ये 14a है, माइनस का 14a है और ये प्लस का कितना है, 7a है। अब ये ब्रैकेट के बाद आपको ये तो पता है ना कि इसका साइन चेंज हो जाता है, तो अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो क्या हो, काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये पहले वाला तो माइनस का ही किया था ना, 9a² मैंने माइनस किया तो आपका 8a² आया। इसी तरीके से 14a है और ये माइनस का 7a हो जाएगा, दोनों के दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 14 + 7 = 21a हो जाएगा, ठीक है। इसी इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बी प्लस 1 टू मेक इट 5ab - 5। ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए इस नंबर पे तो उसको क्या बना दें, 5ab - 5। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या सब्सट्रैक्ट करना है। गिवेन है हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस 1 है और एंड 5ab - 5 है। लेट्स द नंबर बी, नंबर इज एक्स, अगर नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, विच इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बी प्लस 1 टू गेट कितना हो जाएगा, टू गेट में कितना हो जाएगा, 5ab - 5। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, ए बी प्लस 1 - x। अब ए बी में माइनस एक्स घटाएंगे तभी तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 5ab - 5। अब इसको इक्वेशन लगा के आप सॉल्व कर लो, एक्स को इधर ले आओ, एक्स इधर पहले से ही है, अब क्या करो उस वाले नंबर को उधर ले जाओ, तो ए बी वाला ये देखो पूरा का पूरा नंबर उधर चला गया, ठीक है। ए बी प्लस 1 हो गया और ये पूरा माइनस का हो गया, -5ab + 5 हो गया, वो उधर प्लस का था तो उधर आ गया तो माइनस का हो गया। अब देखो आपको क्या है, एक्स को इधर ये माइनस में था तो इस साइड ले आए तो प्लस में हो गया, और ये 5ab - 5 को हम दूसरे साइड ले गए, 5ab - 5 को जब दूसरे साइड ले गए तो ये हमारा कितना हो गया, -5ab + 5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है, 5ab - ab तो आपका -5ab + ab तो ये कितना हो जाएगा, -4ab, और ये प्लस का 5 और प्लस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -4ab + 6। कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, एडवर्ड वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स। एडवर्ड जाता है कहाँ पे, मार्केट पे जाता है और ख़रीदता है क्या, पैकेट के चिप्स खरीदता है, एक पैकेट चिप्स लेता है वो, ठीक है। 3x² + y एंड अ चॉकलेट फ्रॉम, 3x² और y का क्या लेता है, वो चिप्स लेता है, चॉकलेट कितने का लेता है, y² + 2y का। हाउ मच डिड ही पे टोटल, दोनों को ऐड कर देना बेटा, इस पे तो कुछ है ही नहीं, दोनों को ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो आप इसका आंसर देख लो, चिप्स की कॉस्ट कितनी है, 3x² + y है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट कितना है, 2y² है, 2y² देखो 2y² तो ऐड नहीं होगा x² में, तो सीधी सी बात है ये आपका नंबर उसको लिख देना है, 2y बस ऐड हो जाएगा। तो आप देखो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3x² + y + 2y, तो आप देखो 3x² + y² + 3y 2y और y ऐड हो जाएगा तो टोटल 3y हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3x² + y² + 3y आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं क्लास, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पे आके आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको मैथेस प्राइम क्लासेस आपको सर्च कर लेना है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर डाउट है तो आप सीधे वहाँ पर टेक्स्ट करो पूछे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ओके। चलो, आ रेक्टेंगुलर हैज लेंथ, रेक्टेंगुलर की लेंथ कितनी है, x² + 4y³ है, ठीक है, यूनिट्स है, और उसकी ब्रेथ कितनी है, -2x² + y² यूनिट है। व्हाट इज़ द पैरीमीटर, अब आपको पैरीमीटर का फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है ये आपको देखना पड़ेगा। अब लेंथ या रेक्टेंगल कितनी है, x² + 4y³ है,
ब्रेथ कितनी है, 2x² प्लस वाई क्यूब है, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको इसको, सॉरी, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही पे हमने उसको किया है। आप दोनों नंबर्स को लिख के आपको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, जो भी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे नंबर है तो 2 हो गया, बाहर कर दिया, x² प्लस 4y² हो गया। और दूसरा वाला नंबर कितना था, माइनस में था, ये देखो यहाँ पे लिख दिया, माइनस 2x² प्लस वाई क्यूब हो गया, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो x वाले नंबर को इधर कर लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर वाले नंबर को एक साइड, और क्यूब क्यूब वाले नंबर को एक साइड कर लीजिए। ये देखो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इस स्क्वायर वाले नंबर को आप बताओ, आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस x² है, तो x² माइनस 2x², तो आप बताओ 2x² बड़ा है, वो भी माइनस का है, तो प्लस वाला उसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस x² उधर वाले का 4y क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5y³ हो जाएंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा ना उसके अंदर, जो 2 बाहर है, तो 2x माइनस 2x² प्लस 10y³, यही तो हमारा आंसर है। कितना ईजी था, ये एक रिटर्न फॉर्म में भी लिखा हुआ, अगर आपको उस पर समझ पे नहीं आया तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। चलो, वो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड क्वेश्चन और किस भी चीज़ से, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का नेम क्या है, मैथ इज प्राइम क्लास 8th, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसी पे आप मेरे को टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।